कुख्यात गैंगस्टर चीनू पंडित रुड़की में फिरौती मांगने और मारपीट के मामले में एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। दरअसल चीनू पंडित ने अपने घर बुलाकर एक कारोबारी के साथ जमकर मारपीट की और लाखों की रंगदारी मांगी। चीनू पंडित, मनोज जैन और रामगोपाल कंसल, ये और दो पाँच छः आदमी और थे, टोटल 8-9 आदमी थे। उसमें जो चीनू पंडित को पुलिस हाई कोर्ट ने गनर सब सुरक्षा के लिए दे रखे हैं वो भी थे, और चीनू पंडित को मनोज जैन ये लाया था, साधुराम जैन का पुत्र लेकर आया हमारे घर पर, और चीनू ने एकदम उतरते ही हमारे बेटे को, नीरज को, मारना पीटना शुरू कर दिया और काफ़ी मारा पीटा, और इसको गाली गलौज करके कहा कि तू रुड़की में रह नहीं सकता, तुझे 80 लाख रुपये देने पड़ेंगे, और ये हमसे 80 लाख रुपये मांग रहा था। फिलहाल पुलिस ने चीनू पंडित पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए चीनू को गिरफ्तार कर लिया है। पंडित मनोज जैन के साथ गया था, उसके भाई का भी नाम उस में इन्वॉल्व हो रहा था, तो वो सफाई देने गया था, भाई मेरे भाई से क्या मतलब है, मनोज जैन के पैसे हैं तुम्हारे ऊपर, सुरेंद्र हैं तो तुम जानो, वो जाने, हमारे भाई को क्यों बीच में लपेटा जा रहा है। तो ये उसके घर पर गए थे ये दोनों, कुछ लोग और भी थे, वो वहाँ खड़े रहे बाहर, तो उसी बीच में कुछ सुरेंद्र के लड़के ने कुछ कह दिया, जिस बात पर चीनू पंडित ने उसके दो थप्पड़ मार दिए थे। देवभूमि न्यूज़ के लिए रुड़की से दिलशाद खान।